मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप अच्छे होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमें ऐसा लगता है कि आप लॉकडाउन का पूरा फायदा उठा रहे होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा सोचना भी संशय युक्त है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस लॉकडाउन का सबसे बढ़िया फायदा उठा रहे होंगे कि पढ़ने से उनका वारा नहीं आ रहा ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, उनका क्या फायदा है जो ये वीडियो ही नहीं देख रहे होंगे, जो पढ़ ही नहीं रहे होंगे, वीडियो काहे को देख रहे होंगे। तो हम लोग उनके लिए, उनसे रिलेटेड बात कर रहे हैं जो लोग पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। और आप एक बात आप समझ लीजिए कि आप फिफ्थ चैप्टर लगभग एंडिंग की ओर आ चुके हैं, इसके साथ साथ लगभग लगभग 1/3 पोर्शन आपका फिजिक्स में कंप्लीट होने वाला है। तो एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है जिन लोगों ने कंटिन्यू कर रखा होगा स्टडी, और जिनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है उनके लिए हम लोगों को बातें करना और उनकी चर्चाएं करना वेस्ट है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना अगला टॉपिक, श्रेणियों प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम या प्रतिरोधों का संयोजन पहले देख लीजिए, उसमें दो टाइप का ये संयोजन मुख्यतः होता है। प्रतिरोधों का संयोजन क्यों किया जाता है, प्रतिरोध को जोड़ा क्यों जाता है, संयोजन माने जोड़ना, क्यों जोड़ा जाता है। तो अलग अलग मान के प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। मान लो दो दो ओम के हैं, अब तुम्हारे पास सारे प्रतिरोध दो ओम के हैं, एक ओम का प्राप्त करना है। तो अब एक ओम का प्राप्त करने का तो कोई जुगाड़ नहीं, क्योंकि सारे प्रतिरोध तुम्हारे पास कितने ओम के हैं, दो ओम के। तो इसका संयोजन करके हम एक ओम कर सकते हैं, जैसे समांतर क्रम में संयोजित कर दीजिए, एक ओम हो जाएगा। ऐसे करके हमको प्रतिरोध का मान ज्यादा चाहिए, सारे प्रतिरोध हमारे पास दो दो ओम के हैं, हमें 6 ओम चाहिए, 6 ओम का प्रतिरोध चाहिए, तो क्या कर दो, तीनों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर दो। आगे चर्चा की जाएगी कि कैसे संयोजित कर दो, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग मान के प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। तो ये दो प्रकार का होता है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। एकदम डिट्टो टॉपिक है, जैसे आपने वहां पे संधारित्रों के लिए संयोजन पढ़ा था, फॉर्मूला उल्टा आ जाता है, बस इतना डिफरेंस है लेकिन तरीका सेम है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। बेटा हम लोगों का पहला टॉपिक क्या स्टार्ट होने जा रहा है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं और हम लोग आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये प्रतिरोधों का संयोजन था बेटा, श्रेणी संयोजन नहीं, प्रतिरोधों का संयोजन। तो अब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसी की चर्चा होगी। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका क्या है, देख लीजिए एक बार सर्किट को। ये मान लो कि R1 प्रतिरोध है, ऐसे ढेर सारे प्रतिरोध हैं अपने पास, ये है ये है ये है, ऐसे ढेर सारे प्रतिरोध हैं। तो ये सबका, इन सबका ये कौन सा टर्मिनल है, फर्स्ट, कौन सा टर्मिनल है बेटा, फर्स्ट। और ये दोनों तीनों का सेकंड टर्मिनल है। ये मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3 है। R1 हमने सेट कर दिया ये ऐसे, अब श्रेणी क्रम में संयोजित करने के लिए इसको उठाते हैं और ऐसे लगा देते हैं, फिर इसको भी उठाया उसी के साइड में लगा दिया। अब ऐसे थोड़ी बोलेंगे परिभाषा की, इसको उठाते हैं इधर लगा देते हैं, लगा देते हैं उठा देते हैं, इससे थोड़ी होता है। यहां पे एक बैटरी जुड़ी हुई है, सेल या बैटरी वी वोल्टेज की, ओके। तो अब आप ऐसे समझिए कि इसकी परिभाषा क्या होगी, उसको समझने की कोशिश। अगर यहां से करंट भेजा आपने, वोल्ट बैटरी ने करंट भेजा आई, तो ये ऐसे जाएगी, इसका मतलब आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि इसका मतलब जिग जैग होता है सिर्फ,
वो जिग जैग का सिर्फ इतना मतलब होता है कि रुकावट है। तार में कहीं ऐसा नहीं होता है कि एक पोजीशन ऐसी होती है जहां जिग जैग बना होता है, पूरे तार का रेजिस्टेंस एक प्लेस पे प्रदर्शित कर दिया जाता है, बस इतना सा जानिए। तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। R1 के सिरों पर विभवांतर है V1, क्योंकि आपने विभव की परिभाषा पढ़ी थी, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो यहां से यहां तक ले जाओगे कार्य कुछ अलग होगा, यहां से यहां तक ले जाओगे कार्य कुछ अलग होगा, यहां से यहां तक के लिए कार्य कुछ अलग होगा। तो तीनों प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर का मान अलग अलग होगा। अब ये धारा आई तो ये ऐसे जा रही है, 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 जा रही है और वापस आ गई, तो उसको रास्ता नहीं बदलना पड़ रहा है। इसका मतलब सभी प्रतिरोधों से जो जाने वाली धारा है वो समान है। तो ये परिभाषा का पार्ट है। तो समझिएगा, प्रत्येक प्रतिरोध का जो द्वितीय सिरा है अगले प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के प्रथम सिरे से तथा अन्य प्रतिरोधों को भी इसी क्रम में संयोजित किया जाए, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान रहता है, श्रेणी क्रम संयोजन में वैद्युत धारा का मान समान रहता है। एक बार फिर से बोलने की कोशिश करो, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का, ये दूसरा वाला सिरा है ना, तो इधर वाला दूसरा सिरा, दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के प्रथम सिरे से तथा अन्य प्रतिरोधों को भी इसी क्रम में संयोजित किया जाए, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और श्रेणी क्रम संयोजन में वैद्युत धारा का मान समान होता है। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। तो अब इसका डेरिवेशन देखिए, इसको हटा देते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो माना R1, R2, R3 मान के प्रतिरोध, R1, R2, R3 मान के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में संयोजित है जिनसे प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा आई है तथा प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्रमशः वी वन कॉमा वी टू कॉमा वी थ्री। अब प्रथम प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा I बराबर वी वन बटे वी वन आर वन हो जाएगा। ओम के नियम से अच्छा यहां पे देख रहा होगा, जो दिख रहा होगा आपको कि जो ये टोटल यहां से यहां तक है वो V है, बैटरी का जो तुल्य है यहां से यहां तक दोनों सिरों से लगी हुई है बैटरी, और V किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। तो ये हमको पता है, तो ऐसे कह सकते हैं कि चित्रानुसार, अभी ओम का नियम मत लगाइए, चित्रानुसार V इक्वल्स V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको लिख देते हैं बेटा, जिससे कि आपको टारगेट क्लियर हो जाए कि हमको V1 निकालना है, V2 निकालना है, V3 निकालना है। तो प्रथम प्रतिरोध ओम के नियम से प्रथम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V1 बराबर धारा सेम है आई आर वन, इसी प्रकार द्वितीय प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V2 बराबर I
आर टू, इसी प्रकार वी थ्री बराबर आई आर थ्री। ये हो गया बेटा। अब इसको समीकरण का नाम दे दीजिए कुछ, दो तीन चार ऐसे, दो तीन चार। अब इसके सिरे पर कुल तुल्य प्रतिरोध, तुल्य विभव कितना है? V। तो माना संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, बेटा RS लिख रहे हैं, रॉयल स्टैग नहीं है बेटा, ये सीरीज का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो RS है तथा माना संयोजन का तुल्य प्रतिरोध RS है तथा विभवांतर V है, V है, तो V बराबर आई आर एस। ये हो गया पांच नंबर समीकरण, दो तीन चार पांच का मान। समीकरण दो तीन चार व पांच का मान समीकरण एक में रखने पर, अब समीकरण एक में रख दीजिए, V की जगह क्या लिख दोगे? आई आर एस आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। आई अगर कॉमन ले लो तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आई आर एस, आई से आई कैंसिल हो गया, आर एस इक्वल्स क्या हो जाएगा बेटा? आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये हो गया। अगर संयोजन में एन प्रतिरोध ऐसे जुड़े हों, यदि संयोजन में, ये डेरिवेशन हो गया बेटा। अब इसके बाद हम ऐसे पार्ट बता रहे हैं कि अगर संयोजन में तीन प्रतिरोध हमने लगाया है, मान लो n प्रतिरोध लगा देते तो क्या फॉर्मूला आता, तो इसी में डायरेक्ट बता देंगे, यदि संयोजन में n प्रतिरोध अलग अलग मान के हों, संयोजित हो, तो तुल्य प्रतिरोध। आर सीरीज क्या हो जाएगा बेटा? आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट 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 आर एन। ये हो जाएगा अगर सभी प्रतिरोधों के मान समान हो, यदि सभी प्रतिरोधों के मान समान, ब्रैकेट में लिख देते हैं माना कैपिटल आर हो, तो सभी प्रतिरोधों के मान समान हो तो क्या हो जाएगा? आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर एन बार, तो आर और आर दो बार जोड़ो टू आर, आर 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 तीन बार जोड़ो तीन आर, तो आर 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 एन बार जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? एन आर। तो आर एस इक्वल्स क्या आ गया? एन आर। पहले ऐसे लिख दो बेटा, नहीं तो तुमको टेंशन हो जाएगी, आर प्लस आर प्लस डॉट 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 आर, तो ये क्या आ जाएगा? आर एस इक्वल्स एन आर। मतलब अगर सभी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए, समान मान के सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए, तो उनका प्रतिरोध एन गुना हो जाता है, मतलब जितने प्रतिरोध जोड़ोगे ना उतने गुना हो जाएगा। इसका मान अगर, इसका मतलब है अगर प्रतिरोध का मान आपको बढ़ाना है तो क्या कर दीजिए? श्रेणी क्रम में संयोजित कर दीजिए। अगर प्रतिरोध का मान इसका मतलब घटाना होगा तो समांतर क्रम में, उसकी चर्चा आगे की जाएगी। पहले इसको समझने की कोशिश करिएगा, इसमें कोई पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आया है कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए। तो ये एकदम डिट्टो डेरिवेशन आपको दिख रहा होगा, एकदम कैसा डेरिवेशन है बेटा? जैसे संधारित्र वाला था, लेकिन वहां पे बस संधारित्र लगा हुआ था, यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ है, सिंगल डिफरेंस है, बस इसी को ध्यान रख लीजिए। अब उसके बाद हम लोग, अगर ये आपने कर लिया हो, तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कर रहे हैं, समांतर क्रम संयोजन। अब इसमें चित्र देख लीजिए बेटा, जो वही तीन प्रतिरोध थे उनको लाके ऐसे जोड़ दीजिए। ये पहला प्रतिरोध जुड़ गया,
ये दूसरा प्रतिरोध जुड़ गया और ये तीसरा प्रतिरोध जुड़ गया और तीनों को एक बिंदु पर संयोजित कर दीजिए ये। तो अगर इसके सिरे पर विभवांतर V है तो यही तो तीनों प्रतिरोधों के सिरों पर है। रीजन उसका क्या है बेटा? क्योंकि चाहे आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाओ तो ले जाने में किया गया जो कार्य है वो मार्ग पर निर्भर नहीं करता, तो इसलिए विभव का मान सबके लिए समान है, चाहे इस रास्ते से लाओ चाहे इस रास्ते से लाओ चाहे इस रास्ते से लाओ, तो इसलिए विभव का मान तीनों के लिए समान है। अब इसके बाद देखिएगा, जो यहां से आई धारा आई उसको तीन मार्ग मिल गया, आई वन आई टू आई थ्री। जैसे पानी है बेटा, यहां से तीन नाले बने हुए हैं और ये बड़ा वाला नाला था उसमें से तीन पार्टीशन है, तो बड़े नाले में जो पानी डाला जाएगा वो तीनों नालों में जाएगा, लेकिन किसमें ज्यादा जाएगा? तीनों में बराबर नहीं जाएगा बेटा। मान लो किसी में एकदम कचरा भर के नाली जाम सी हो गई है करीब करीब, एक में कम जाम है एक में काफी बहुत कम कचरा है, तो जिसमें बहुत कम कचरा होगा उसमें ज्यादा पानी जाएगा मतलब ज्यादा धारा जाएगी, जिसमें कचरा बहुत अधिक होगा मतलब प्रतिरोध अधिक होगा उसमें पानी कम जाएगा, और जिसमें प्रतिरोध मध्यम कोटि का होगा उसमें पानी मध्यम जाएगा। तो मतलब पानी सब में बराबर नहीं जाएगा, भले से एक ही नाले से तीनों शाखाएं निकली हुई हैं, तो शाखाओं में जाने वाला पानी इस बात पर निर्भर करेगा कि उसमें कचरा किस अनुसार भरा हुआ है। कुछ लोग तो भावुक हो जाते होंगे कचरा वचरा सुन के, नाली वाली सुन के एकदम भावुक हो जाते होंगे कि काश हम लौट लेते अपना, उनको पुराना दिन याद आ जाता होगा कि जब स्कूल जाते थे तो रास्ते में लौट लेते थे ना। बेटा वो नहीं है, हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं नाली और कचरे से, जिससे कि क्योंकि आप उससे काफी फेमिलियर हैं तो आपको समझ में बहुत अच्छा आएगा, इसलिए बेटा इसको हम लोगों ने ऐसे बात की है। फिर चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब यहां पे माना भाषा यही है कि पहले इसको परिभाषा कैसे बोलोगे, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का प्रथम सिरा किसी एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा किसी अन्य बिंदु पर एक साथ संयोजित किया जाए। फिर से, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का प्रथम सिरा किसी एक बिंदु पर एक साथ तथा द्वितीय सिरा, तीनों का देखिए द्वितीय सिरा एक साथ किसी अन्य बिंदु पर संयोजित किया जाए, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें विभव का मान समान रहता है, इसमें सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभव या विभवांतर का मान समान रहता है। अब भाषा ये लिख देंगे, माना आर1 आर2 आर3 मान के प्रतिरोध किसमें समांतर क्रम में संयोजित है, किसमें संयोजित है बेटा समांतर, जिनसे प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा I1, I2 व I3 है तथा प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V है। अब चित्रानुसार यहां पर देखा होगा जो I धारा है, I धारा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है। अब ओम के नियम से ये उतनी भाषा को हमने दोबारा यूज कर लिया बेटा, ओम के नियम से प्रथम प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर V बराबर हो जाएगा I1 R1। तो इससे आप निकाल सकते हैं I1 चाहिए अपन को, तो I1 इक्वल्स क्या हो जाएगा बेटा V/R1। ये समीकरण नंबर दो। द्वितीय प्रतिरोध से प्रवाहित धारा सीधे सीधे लिख दो, चाहे विभवांतर के रूप में लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो द्वितीय V बराबर I2 R2, तो I2 इक्वल्स क्या हो जाएगा V/R2। इसी प्रकार I3 इक्वल्स क्या हो जाएगा V/R3। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे आप प्रथम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर लिख के लिख लीजिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए प्रथम प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा I1 इक्वल्स, पहले यहां से उनके नियम से V1 इक्वल्स I1 R1, तो I1 इक्वल्स V/R1।
फिर उसके बाद द्वितीय प्रतिरोध के से प्रवाहित होने वाली धारा वी टू इक्वल्स आई वी इक्वल्स आई टू आर टू, तो आई टू इक्वल्स वी अपॉन आर टू, मतलब तब ये वाला स्टेप आप छोड़ देंगे, डायरेक्ट आई टू लिखेंगे, आई वन लिखेंगे, इतना छोड़ देंगे आप। तो ये आपकी मर्जी है, जैसे आपको सुविधा लगे। अब वही माना संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आरपी है, आरपी मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, कितना है बेटा आरपी है, तथा प्रवाहित धारा आई है, तो आई इक्वल्स वी अपॉन आरपी, समीकरण नंबर पांच। अब वही फिर से कहानी, समीकरण दो तीन चार व पांच का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखो बेटा आई बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, तो आई के मान हो गया वी अपॉन आरपी बराबर वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू प्लस वी अपॉन आर थ्री। अब यहां ऊपर से वी कॉमन ले लीजिए, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री वी अपॉन आरपी, वी से वी कैंसिल आउट हो गया, वन अपॉन आरपी इक्वल्स वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस डॉट डॉट, वो सॉरी अभी तीन ही की बात हो रही है, वन अपॉन आर थ्री। तो ये आ गया संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। अब अगर इसमें हमेशा ध्यान रख लीजिए, दो जैसे धारिता के लिए हमने फॉर्मूला बनाया था जब उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा था, तो सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, तो यहां पे वो उस टाइप का फॉर्मूला समांतर क्रम में आ रहा है, तो दो प्रतिरोध जब समांतर क्रम में जुड़े हो, ये भी अलग से इसमें जरूर लिखना होता है, जब आर वन व आर टू दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो, संयोजित हों, तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा बेटा, वन अपॉन आरपी इक्वल्स वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, तो आर वन आर टू एलसीएम ले लो, तो आर वन प्लस आर टू हो गया, लेकिन ये तो वन अपॉन आरपी है ना बेटा, तो इसको पलट दो, आरपी इक्वल्स क्या हो जाएगा आर वन आर टू बटे आर वन प्लस आर टू। ये दो प्रतिरोध वाला फॉर्मूला जरूर अलग से बना लिया करें, क्योंकि मैक्सिमम जो हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं उसमें ये बड़ा छोड़ कर देता है कैलकुलेशन, कई बार आप देखेंगे इसी से आपको बहुत फायदा मिलेगा, तो ये जरूर कर लिया करें। तो फॉर्मूला लिखते हैं जैसे न्यूमेरिकल में, वन अपॉन आरपी इक्वल्स वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, तो आरपी इक्वल्स आर वन आर टू अपॉन वन आर वन प्लस आर टू। यदि एन प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो, इसी के नीचे चाहे कर लीजिए, यदि एन प्रतिरोध संयोजित हो, मतलब उसके बाद भी कर सकते हैं बेटा, पहले भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है, तो वन अपॉन आरपी इक्वल्स वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस डॉट 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 वन अपॉन आर एन। अगर सभी प्रतिरोधों के मान समान हो, तो यहां थोड़ा सा लिख देते हैं, यदि सभी प्रतिरोधों के मान समान हो, तो वन अपॉन आरपी इक्वल्स वन अपॉन आर, भाषा नहीं लिख रहे बेटा, वो आप लिख लीजिएगा, प्लस डॉट 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 वन अपॉन आर, वन अपॉन आर वन अपॉन आर दो बार जुड़ा तो दो अपॉन आर, वन अपॉन आर वन अपॉन आर वन अपॉन आर तीन बार जुड़ा तो तीन अपॉन आर, तो वन अपॉन आर वन अपॉन आर वन अपॉन आर एन बार जुड़ा तो एन अपॉन आर, तो वन अपॉन आरपी इक्वल्स एन अपॉन आर, तो आरपी क्या निकालना है हमको, तो आर अपॉन एन। तो ये देखिए, जो एक प्रतिरोध का मान है, तो जो संयोजन का प्रतिरोध है, आरपी क्या है, समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, वो जो प्रतिरोध है उसका एनवा भाग हो जाता है, इसका मतलब जब ऐसा संयोजन करेंगे तो प्रतिरोध का मान घटकर एनवा भाग हो जाता है, मतलब प्रतिरोध का मान क्या होता है, घट जाता है बेटा। तो इस तरह से ये वाला पोर्शन आप देख लीजिए। अब आप इसके बाद इसको जल्दी से कॉन्टिन्यू नोट कर लीजिए बेटा, फिर इसके बाद का डिस्कशन किया जा रहा है।
ओके, जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर इस पे बेस्ड एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपको ट्राई कराते हैं, फिर आप आगे देखिएगा। इसको इरेज कर रहे हैं बेटा, टेंथ लेवल का टॉपिक है इसलिए अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इस पे न्यूमेरिकल आप जितने बुक में गिवन है बेटा, एग्जाम्पल में ढूंढ लीजिएगा प्रतिरोध से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल, और कहीं और कहीं आपको नजर आए वो सब न्यूमेरिकल आप जरूर ट्राई कर लीजिएगा। तो हम अगले टर्म पे जितना पूरे इस चैप्टर में प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पर आधारित न्यूमेरिकल होंगे पूरे चैप्टर में, कहीं भी वो चाहे आंकिक में हो, चाहे उसके बहुचयनात्मक में हो, चाहे अति लघुत्तरात्मक में हो, लघुत्तरात्मक में हो, या इसके उदाहरण में हो, सारा डिस्कशन नेक्स्ट टर्म पे किया जाएगा। तो आज के लिए दो एक न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड छोटे छोटे देखते हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल आप देखिए इससे रिलेटेड, देखिए इसमें लिखा है जब, अब देखिएगा ये थोड़ा सा अच्छा न्यूमेरिकल कराना है पहला वाला, जब दो चालक श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो तुल्य प्रतिरोध 40 ओम होता है। मान लो कि ये एक चालक है R1, एक चालक है R2, जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 कितना ओम होता है, 40 ओम। डायरेक्ट देर लिख रहे हैं बेटा, R सीरीज इक्वल 40 ओम गिवन है, और कह रहा है कि जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध होता है 7.5 ओम। समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा दो, जब दो प्रतिरोध हो वो भी डायरेक्ट लगा सकते हो, कौन सा, 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल्स 1/RP, तो डायरेक्ट ऐसे कर लो, R1 R2 / R1 + R2, पलट के डायरेक्ट बता रहे हैं बेटा आरपी, पहले एलसीएम लोगे तो R1 R2 बटे में आएगा, वो हमने अभी बता दिया है, फिर जब आप इधर वाले 1/RP को पलटोगे तो इधर भी पलट जाएगा, तो ये आ जाएगा नेट। अब इसमें वैल्यू रख दो, R1 R2 की वैल्यू नहीं पता है, R1 प्लस R2 की वैल्यू कितना निकाले हो, 40, RP की वैल्यू कितना दे रखा है, 7.5, तो R1 R2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 7.5 × 40, 0.5 हटाओ 0 हटेगा, 75 × 300, तो R1 R2 का मान आपको मिल गया 300, R1 प्लस R2 का मान मिल गया 40। आपसे पूछ रहा है दोनों का अलग अलग मान बताना है, दोनों प्रतिरोध का, तो अगर हम इस समीकरण को हल करना चाहें तो R1 माइनस R2 मिल जाए तो मजा आ जाए, तो हम फॉर्मूला जानते हैं, R1 माइनस R2 का अगर होल स्क्वायर है तो वो क्या होता है, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, देखो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर ओपन करो, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1R2, और यहां क्या होगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1R2, तो अगर यहां पे ऐसे कर दें -4R1R2, अब देखिए दोनों बराबर हो गया, यहां +2R1R2 है -4R1R2, तो क्या हो गया, -2R1R2, इधर भी वही -2R1R2, तो ये फॉर्मूला इस टाइप का कई बार यूज होता है, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने एक न्यूमेरिकल करने में, आवेश वाला न्यूमेरिकल करने में इस फॉर्मूले का यूज किया है। तो अब देखिए R1 माइनस R2 ऐसे रहने दीजिए, R1 प्लस R2 की वैल्यू कितना है बेटा, 40, उसका स्क्वायर -4, R1 R2 की वैल्यू कितनी है, R1 R2 की वैल्यू कितनी है, 300, तो 40 का स्क्वायर हो गया 1600 माइनस 1200, तो ये आया 400, ये R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर आया है, तो R1 माइनस R2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, √400, तो 20 विसंयम 400, 20 आ जाएगा, R1 माइनस R2 20 है, R1 प्लस R2 40 है, तो अब इसको नीचे रख के सॉल्व कर लो, 40, अब दोनों को जोड़ दो तो सीधे सीधे ये कैंसिल आउट हो गया, 2R1 = 60, तो R1 = 30 ओम। अब R1 का मान इसमें रख दो, ये समीकरण एक में रख दो, R1 का मान समीकरण
एक में रखने पर, तो आर टू कितना आ गया बेटा, आर टू बराबर 40 माइनस आर वन, 40 माइनस 30 10 ओम आ गया, आर टू 10 ओम आ गया। तो आर वन आर टू यही आपसे पूछा था, तो इसको हमने कैलकुलेट किया। जो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन है, उस टाइप का न्यूमेरिकल नहीं करा रहे, जो थ्योरेटिकल बेस्ड है वो करा रहे हैं। उस टाइप का हमने फॉर्म बहुत सारा न्यूमेरिकल उसमें कराया संधारित्र में, तो वो डिक्टो है, बस फॉर्मूला पलट देना है। जैसे वहां पे श्रेणी क्रम में होता था किसका, संधारित्र का, तो 1/C आता था, 1/C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 1/CN ऐसे। लेकिन यहां पे श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN है, तो यहां सीधे जुड़ जा रहा है मतलब, और वहां पे समांतर क्रम में सीधे जुड़ता था, तो यहां समांतर क्रम में 1/R3 इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 1/RN है। तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला उल्टा सीधा हो गया है, तो इसलिए आप इसको बस ध्यान रखना। उस टाइप के कई न्यूमेरिकल जितने भी दिए हैं बुक में सब ट्राई कर लेना बेटा, उसका डिस्कशन नेक्स्ट टर्न पे हम डिटेल में करेंगे। तो अभी इसी टाइप का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, आप जल्दी से ट्राई करिए, जो डिफरेंट टाइप के उन्हीं क्वेश्चन को हम आपको करा रहे हैं इससे रिलेटेड। तीन प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन 20 वोल्ट सप्लाई से 5 एम्पीयर की धारा ले रहा है। तीन प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन R3 ये जुड़ा हुआ है, ये नहीं जोड़े रहेंगे कि कुछ लोग जुड़ा ही नहीं है सर, धारा बह रही है आपने, ऐसे कैसे हो रहा है, ये कहां से हो गया सर, गलत पढ़ा रहे हो, ऐसा हो सकता है दिमाग में टेंशन आए। तो तीन प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन 20 वोल्ट सप्लाई, ये कितना बेटा दिया है, 20 वोल्ट की सप्लाई पर 5 एम्पियर की धारा ले रहा है, ये कितना एम्पियर जा रहा है, 5 एम्पियर की धारा ले रहा है। यदि दो प्रतिरोध क्रमशः 10 ओम और 8 ओम के हैं, इसका मान 10 ओम है, इसका मान है 8 ओम, तो इसका मान कुछ R मान लीजिए, R ज्ञात कीजिए, तो ये समांतर क्रम में है, तो 1/RT इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसमें कोई शक। अब परिपथ में, पूरे परिपथ में कितना वोल्ट है और कितनी धारा है, तो RP का मान डायरेक्ट ऐसे निकल सकता है V/I, R बराबर V/I, तो V कितना है बेटा, वोल्ट लिख दो इसको, नहीं कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे सर कितना मजा आ रहा है उड़ा खटाखट खटाखट, ऐसे नहीं है, 20 वोल्ट ये दिया हुआ है बेटा और 5 एम्पियर की धारा बह रही है, तो ये कितना आ गया RP 4 ओम, इस पूरे का तुल्य कितना है बेटा 4 ओम, तो 1/4 ओम इक्वल्स 1/10, R1 का मान कितना है बेटा 10, 1/8 प्लस 1/R, इसको हमने मान लिया R है, तो R ही निकालना है, तो 1/R छोड़िए, इसको आप खुद से पहले ट्राई करिएगा तब आप इस उसको देखिएगा सोल्यूशन को, नहीं छाप रहे हो बैठ के। 1/4 माइनस 1/10 माइनस 1/8 एलसीएम क्या हो जाएगा, 40 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 दहम 40 ही होगा 10, 10 चौक 40 ये हुआ 4, 8 पंचे 40 ये हुआ 5, तो 10 माइनस 9 अपॉन 40, तो ये हो गया 1/40, लेकिन ये क्या है 1/R, R बराबर क्या हो गया 40 ओम, तो जो ये अज्ञात प्रतिरोध है इसका मान 40 ओम। अगर आपका आंसर आया है करेक्ट तो आप इसको तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपका आंसर है करेक्ट, अगर आपका आंसर है गलत तो आप इनकरेक्ट लिखें, रीजन लिखें कि किस रीजन से आपने ये गलत किया है। तो आज इस लेक्चर में हम आपको थोड़ा बहुत एकाध न्यूमेरिकल करा ही देते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि हाँ इस टाइप के कैसे न्यूमेरिकल करने हैं, जो हमने प्रतिरोध वाले बताए हैं, जैसे उसमें कराया था संधारित्र में, तो उस टाइप का एकाध न्यूमेरिकल जैसे ये गिवन है,
अब ये और दिया है 3.5 ओम ए बी सी डी। अब आपसे पूछ रहा है चित्रानुसार 5 प्रतिरोधक जोड़े गए हैं, बिंदु ए व सी के मध्य है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ए और सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो बेटा। तो जिसके जिसके मध्य तुल्य प्रतिरोध या तुल्य धारिता ज्ञात करनी होती है, वहां से चलो सारे रास्ते साफ करके दूसरे सिरे तक पहुंच जाओ। तो ए से चलो कितने रास्ते हैं बेटा, ट्यू एक रास्ता, दो रास्ता ट्यू, तीन रास्ता, तो तीन रास्ते हैं आपके पास। पहले देखो एक, अब पहले ये देखा करो एक रास्ते पे कितनी जगह पे कचरा पड़ा हुआ है, उन सारे कचरे को एक जगह पे रख दो। फिर ऐसे दूसरे रास्ते पे देखो, फिर ऐसे तीसरे रास्ते पे देखो, उन सभी जगह पे जो पूरे नाली में कई जगह पे कचरे फैले हो उनको इकट्ठा करो पहला काम, फिर उसके बाद हल हो जाएगा। तो अगर श्रेणी क्रम में सीधे सीधे जोड़ना होता है तो इसको नेक्स्ट ऐसे बना सकते हैं क्या, 9 और 5 14 ओम का डायरेक्ट बना सकते हैं ना बेटा। एक ये 10 वाले में तो एक ही कचरा पड़ा है ये 10 ओम का, लेकिन यहां पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो 14 ओम का, 9 और 5 श्रेणी क्रम में है तो ये 14 ओम, 3 और 7 श्रेणी क्रम में है तो 10 ओम। इसको आप समझिएगा, ये ए है ये सी है, ए सी का सबसे पहला काम ए से सी तक जाने के लिए कितने रास्ते, 3, एक तो सीधा सीधा है, एक ऊपर से चले जाओ एक नीचे से चले जाओ। तो ऊपर वाले से हम सबसे पहले सफाई करते हैं, यहां से यहां तक गए ये दोनों किसमें जुड़े हैं बेटा, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, सीधे R1 + R2 नाम दे दो इसे, R1 + R2 लिख देंगे बाद में, R1 R2 R3 R4 R5 ऐसे ले दे दिया। तो R1 और R2 किसमें जुड़े हैं बेटा, श्रेणी क्रम में। तो R- कुछ मान लो वो कितना हो जाएगा, R1 + R2, तो वो कितना आ गया 9 + 5 14 ओम। तो अब ये क्या है बेटा, R- 14 ओम। ऐसे ही इस रास्ते पे चलो दो कचरा है, R" अगर निकालें तो R3 + R4 है ना बेटा, श्रेणी क्रम में है। देखो R3 और R4 किसमें है, श्रेणी क्रम में है, भाषा लिख देंगे R3 और R4 श्रेणी क्रम में, उनका तुल्य प्रतिरोध कितना है R". तो 3 + 7 10, तो R" कितना हो गया 10 ओम। और ये R5 है ही, अब ऐसे भाषा लिख दो कि R-R5, जल्दी से आप खुद से पहले ट्राई करा करिए, तब सॉल्यूशन देखा करिए, तभी मजा आएगा, नहीं तो आपको इसे लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं। कुछ लोग तो सो जाते होंगे कि अरे न्यूमेरिकल हो गया जो भाई हम हमारे काम का नहीं है। तो ये सब बहुत सिंपल सिंपल, झंडू झंडू से न्यूमेरिकल ये भी नहीं आता तो फिर तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो क्रमशः समांतर क्रम में जो संयोजित है तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 1/R किसके किसके मध्य चाहिए, एसी के मध्य, 1/R' + 1/R5 + 1/R". 1/R' का मान कितना आया बेटा 14, +1/R5 का मान कितना है 10, प्लस इसका मान कितना है 10। अब एलसीएम ले लो, 140 एलसीएम हो जाएगा सीधा सीधा, तो 1/R AC = 140 एलसीएम हो गया, 14 दहम तो ऊपर आया 10, प्लस 10 का 14 बार जाएगा 14, प्लस 14, 14 × 28 = 38 बटे 140, तो RAC बराबर क्या आ जाएगा 140/38, तो 70/19 भाग देना है आपको, 19 का पहाड़ा आपको आता ही होगा शायद, ऐसा हमको पता है कि नहीं आता होगा,
फिर भी हम आपको भावुक कर रहे हैं कि आपको ऐसा प्रतीत हो जाए कहीं गलती से कि मास्टर को गलतफहमी है। तो 1976 मतलब चार बार तो नहीं जाएगा, 1957 13 बचा तो 13 के आगे एक जीरो लगा दो तो 1995 1907 के करीब जाएगा तो 6-8 ऐसे आएगा या 7 लिख दो 3.7 ओम। आरएसी कितना आ गया बेटा 3.7 ओम। तो ये करीब करीब आपका ये न्यूमेरिकल है। आप इसको एक बार वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट करें, इन्फॉर्मेशन आपके सामने बनी हुई है। क्वेश्चन यही है ए व सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, इतना कैलकुलेशन करना है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे। सभी टाइप के जितने बुक में प्रतिरोध दिए हैं सब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू बेटा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए।